गाइस 1995, 1977, 1988, 2005, 2015, 2016, 2017, इवन 2024, 2023, 2020 का रिजल्ट आप निकालना चाहते हैं, 1988 से लेकर जो है यहाँ पे 2024 तक आपको बताने वाला हूँ कैसे आप यूपी बोर्ड रिजल्ट ओल्ड रिजल्ट कैसे आप निकाल सकते हैं, यूपी बोर्ड ओल्ड रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, पुराने से पुराना मार्कशीट कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, वही आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल पे आना है। यहाँ पे जो वेबसाइट हम सर्च कर रहे हैं वही वेबसाइट को आपको खोजना है, यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ से आप पुराने से पुराना यूपी बोर्ड रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है UPMSP और यहाँ पे आपको लिखना है ओल्ड रिजल्ट। जी हाँ, जैसे आप लिखेंगे UPMSP ओल्ड रिजल्ट, तो यहाँ से आप UPMSP ओल्ड रिजल्ट क्लास 10th का और क्लास 12th का आप इसी तरीके से जो है चेकआउट कर सकते हैं और उससे मार्कशीट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार के विंडो हुए, इसे डेस्कटॉप मोड से हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझा सके। देखिए यहाँ पर दिया गया है जो है ऊपर की तरफ, हम आपको लेकर चलते हैं जो है एकदम ऊपर तरफ आइए। हाई स्कूल यहाँ पे 2024 का एकदम समस्त जो लिखा था, जो ग्रे कलर का था, उसके ऊपर यदि क्लिक करेंगे जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023, 2022, 2021, 2015 से 2020 तक, 2012 से 2014 तक, 2011, 2010। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते दिखाते हैं जो है यहाँ पे और भी आप हाई स्कूल ओल्ड मार्कशीट यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक जो है रैंडम जो है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये वेबसाइट वर्क करता है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे जो है ऐसा फर्जी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली 2008 हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने जो है रोल नंबर इंटर किया और यहाँ पर जो है सुरक्षा कोड ये DG H321 जो लिखा हुआ जो है ये सुरक्षा कोड है, यही यहाँ पे आपको कैप्चर जो है फिलअप कर देना है। डेट सॉल्व यहाँ पे आप दे सकते हैं, साहिल कुमार नागिना देवी, यहाँ पे जो है रिजल्ट सामने आ गया। तो आप ऐसे पुराने से पुराना ओल्ड मार्कशीट डाउनलोड या फिर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अब चलिए बताता हूँ जो है कक्षा 12 का कैसे आप ओल्ड मार्कशीट निकाल सकते हैं, कोई भी सन का हो। तो यहाँ पे सिंपली जो है बैक करना है। अब यहाँ पे आप एकदम नीचे तरफ आएंगे, न्यू सर्च के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें कट कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कक्षा 12 का पुराने से पुराना रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है और या फिर जो है डाउनलोड किया जाता है, वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो है UPMSP लिखना है और रिजल्ट यहाँ पे आप लिखेंगे, उसके बाजू में आपको जो है ओल्ड लिख देना है। अब जैसे ही इसको लिखकर आप सर्च करेंगे फिर से वही वेबसाइट ओपन हो जाएगा, समस्त जो करके लिंक था ग्रे कलर का उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है एकदम स्क्रॉल करते हुए जो है एकदम नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है हाई स्कूल का है। फिलहाल हमें जो है कक्षा 12 का यानी जो है इंटर का जो है रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 2023 का है, 2022 का, 2021 का, 2015 का, 2013, 14। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हर एक रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। आपका अभी कोई सवाल है कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना